स्वीडन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर सकता है नेटो। स्वीडन में अमेरिका बनाएगा मिलिट्री बेस। स्वीडन के अखबार प्रोलेट्रिन में ये दावा किया गया है, स्वीडन को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहता है नेटो। नेटो को युद्ध के लिए स्वीडन की जरूरत है। तो लगातार अमेरिका का यही अप्रोच रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर वो स्वीडन के कंधों का सहारा ले रहा है, अब तैयारी ऐसी है कि अमेरिका अब एक बड़े मोर्चे के तहत स्वीडन में भी अपने बेसिस की तैनाती करेगा और वहां पर भी वो कह रहा है कि अपने बेस को बनाएगा और मजबूत करेगा। हालांकि अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं है, यूक्रेन के साथ भी आखिर यही हुआ। यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने के लिए अमेरिका ने ही उकसाया और इसी उकसावे की कार्रवाई में जेलेंस्की के देश की आज क्या हालत है ये आप सब समझते हैं, क्योंकि रूस को शुरुआत से ही इसी बात को लेकर आपत्ति रही है कि नाटो का मेंबर ना बने यूक्रेन। अगर जेलेंस्की ये फैसला ना लेते तो शायद यूक्रेन का ये हाल ना होता। बहरहाल स्वीडन का आखिर क्यों कंधा लेना चाहता है अमेरिका और इस कंधे के जरिए रूस पर कैसे निशाना साधेगा वो आपको हम बताते हैं। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, पिक्चर काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। अखबार है प्रोलेट्रिन और इसमें नाटो की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं। नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन को इस्तेमाल किया जाएगा, कौन इस्तेमाल करेगा? अमेरिका, जो कि करता रहा है अलग अलग देशों के साथ। स्वीडन में परमाणु हथियार भी रखा जा सकता है, इस बात की भी अमेरिका की तैयारी है। और अमेरिकी सैनिकों के लिए स्वीडन में बेस बनाया जाएगा जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी की जाएगी। नाटो को वॉर के लिए स्वीडन की जरूरत है और स्वीडन को शांति के लिए नाटो की जरूरत नहीं है। स्वीडन का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। जरा समझते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। अंशु जी, आपके पास आना चाहूंगी। स्वीडन कितना मददगार साबित हो सकता है अमेरिका के लिए अगर वहां पर वो अमेरिकी बेस की तैनाती करना चाह रहा है और उसका मकसद यही है कि स्वीडन के कंधों का सहारा लेकर के रूस पर निशाना साधा जा सके, ये तरकीब कितनी काम आएगी अमेरिका की? अंजलि, ये अमेरिका की बहुत लंबे समय से अपनाई गई स्ट्रेटजी है। आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की तरफ देखें तो जगह जगह अमेरिका ने अलग अलग देशों में अपने सैन्य ठिकाने धीरे धीरे करके स्थापित किए। अब जो आप स्वीडन की एक न्यूज़ दिखा रहे हैं, स्वीडन एक न्यूट्रल देश माना जाता रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान किस प्रकार से ये सारे जो तमाम देश हैं यूरोप के, ये धीरे धीरे नाटो की तरफ झुकते जा रहे हैं। यूरोप का एक आप नाटोकरण होते हुए देख सकते हैं। नाटो एक मिलिट्री अलायंस था शीत युद्ध के दौरान।